जहां एक ओर पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है, वहीं तीन लोक से न्यारी कान्हा की नगरी मथुरा में ज्योतिष और आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान लंका नरेश रावण के अनुयायियों द्वारा रावण की विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ यहां पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है। यहां पूरे देश में आज शाम रावण को मारने की तैयारी की जा रही है, वहीं मथुरा में सारस्वत समाज के लोगों द्वारा रावण का पूजन किया जा रहा है। वहीं रावण की पूजा करने वाले अनुयायियों ने कहा कि रावण एक प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने सीता माता का हरण तो किया, लेकिन उनकी अपनी वाटिका में उन्हें रखा, अपने परिवार के लोगों की मृत्यु के बाद भी सीता के साथ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि जो रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है, जबकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदमी की अंत्येष्टि एक ही बार होती है, वहीं पूरे देश में हर साल रावण को जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय बताया जाता है, यह बिल्कुल गलत है और हम रावण के अनुयायी इसकी घोर निंदा करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि रावण का पुतला हर साल ना जलाया जाए, बाकी भगवान राम की लीला का मंचन हर साल करवाया जाए, जिससे समाज में रहने वाले लोगों को मर्यादा का ज्ञान होता रहे। राम और रावण का युद्ध होता है आज के दिन, आपकी पूजा की गई क्या? रावण एक प्रखंड ज्ञानी राजा था, जो ये लोगों ने पब्लिक के अंदर जो परंपरा फैला रखी है पुतला दहन वाली, ये परंपरा गलत है और ये तत्काल रूप से बंद होनी चाहिए, केवल लीला मंचन होना चाहिए। विजयदशमी का पर्व हम इसलिए मना रहे हैं कि विष्णु लोक को स्वयं महादेव जी के परम भक्त महाराज दशानन गए थे और स्वयं राम जी ने उनकी विद्वता को माना था और विद्वता को मानते हुए सेतुबंधु रामेश्वरम की स्थापना के लिए उन्होंने स्वयं भगवान राम ने महादेव जी के परम भक्त लंकेश को आमंत्रित किया था, उन्होंने जानकी जी को साथ ला करके लंका पर विजयश्री का स्वयं आशीर्वाद दिया था, वो प्रकांड विद्वान थे और उनकी विद्वता को भगवान राम ने माना था। जब वो विष्णु लोक को जा रहे थे विजयदशमी के दिन, तो उस समय पर भी उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा था और उनसे कहा था कि भगवान का जो स्मरण है इस समय पे उसे करिए और रावण से यहाँ जो विशेष हमें ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है राजनीति की, वो यही समय है, इससे हम उन्हें से शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा ग्रहण करने से हम अपने राज पाठ को आगे चलाएं। आज आपने रावण जी की पूजा किस तरह से की है? हमने रावण महाराज की पूजा इसलिए की है कि जो भगवान राम हमारे आराध्य हैं और उनके आचार्य रावण थे, तो उन आचार्य का हम सम्मान करें। समाज का कुछ वर्ग जो बुराई के रूप में रावण को देखता है, वो ऐसा नहीं था, वो प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, भगवान राम की मर्यादाओं के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, भगवान राम के प्रति उनका सम्मान नहीं है, बल्कि एक हंसी और ठेला टाइप का जो होता है, मजाक टाइप का होता है, उस तरह से वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं और पुतला दहन करते हैं, जो हिंदू संस्कृति के विरुद्ध है। हिंदू संस्कृति में केवल एक बार ही किसी व्यक्ति का पुतला दहन हो सकता है, बार बार पुतला दहन नहीं हो सकता है। जो समाज में कुछ वर्ग के लोग बार बार पुतला दहन करते हैं, वो गलत प्रथा है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान न हुआ है न हो सकता है और ये विद्वान लोगों का अपमान है पुतला दहन करना। मेरी समाज के लोगों से इस मंच के माध्यम से भी अपील है कि पुतला दहन की कुरीति को बंद करें, राम और रावण का युद्ध हो, मंचन हो, लोगों को जानकारी पहुंचे, हमारी आने वाली पीढ़ी को जानकारी पहुंचे और लोग इस कार्यक्रम को देख करके राम की अच्छाइयों का, राम के वैज्ञानिक युग का गुणगान करें और आगे बच्चों को भी इस तरह की जानकारी हासिल करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।